लंबे इंतजार के बाद हरदोई में जिलाधिकारी आवास के सामने अशोक चक्र से सम्मानित जनपद का गौरव कर्नल हर्ष उदय सिंह गौर की स्मृति में पार्क का लोकार्पण डीएम पुलकित खरे के द्वारा हुआ, जिसकी सभी ने सराहना की। उद्घाटन करते हुए श्री खरे ने पार्क को विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को पार्क को विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी। वहीं डीएम ने पार्क का नामांकन अशोक चक्र विजेता जनपद के अमीर गांव निवासी शहीद कर्नल हर्ष उदय सिंह गौर के नाम पर किया। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने अशोक चक्र से सम्मानित किए गए हरदोई जनपद के लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष उदय सिंह गौर के जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनकी यादगार में जनपद वासियों को एक पार्क का लोकार्पण भेंट किया, जो पार्क पूरी तरीके से हरे भरे पेड़ पौधों से सुसज्जित किया गया है। पार्क में हर तरह के आधुनिक जुवारे लगे हुए हैं, जो पार्क की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। लोकार्पण के अवसर पर सीडीओ आनंद कुमार व डीडीओ राजित राम मिश्रा, ग्रामीण अभियंत्रण के पुनीत कुमार, नगर पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्र सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज 1 जुलाई 2018 को अशोक चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल हर्षोदय सिंह गौड़, उनका जन्म दिवस भी होता है। हमारे प्रदेश में सिर्फ 2 अशोक चक्र से सम्मानित वीर शहीद हैं, उनमें से एक जनपद हरदोई के वीर हैं, उन्हीं के नाम पे आज ये पार्क का लोकार्पण हुआ है। संदेश जनता को यही जाता है कि इससे प्रेरणा ले, ये प्रेरणा स्थल के रूप में रहना चाहिए कि हमारे जो देश के सैनिक हैं, जो विषम परिस्थितियों में देश के लिए काम करते हैं, देश के लिए बलिदान तक दे देते हैं अपना, उनको जरूर ध्यान रखें, उनसे प्रेरणा लें। और जिस भी क्षेत्र में व्यक्ति काम कर रहा है, यदि वो सैनिक की भांति प्रेरणा लेके जी जान से काम करेगा तो देश का उत्थान जरूर होगा। साथ ही शहर को एक अच्छी भेंट है ये, लोग यहाँ पे आएँ, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक के लिए आएँ, बच्चे यहाँ पे खेलें, पार्क का ध्यान रखें, पर्यावरण का ध्यान रखें, ये भी एक संदेश है इस बार।